to see you. I don't want to hear you tonight. I don't want to fight you. You don't want to know if I feel right. I don't want to just forgive you. I just want to be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just want to feel mine. देखो इंसान है तो उससे मिस्टेक तो होगी ही, पर हमारा क्या रहता है, हम जब दूसरों की मिस्टेक होती है ना तो उनको जल्दी से माफ नहीं करते और हमेशा याद ही रखते हैं। ये नहीं करना है, दूसरों की मिस्टेक की भी मिस्टेक को भी भूलना और उसको माफ करना सीखना है, क्योंकि कोई कोई इंटेंशनली कोई मिस्टेक नहीं करता है, उससे हो जाती होगी। जब आपने भी कभी मिस्टेक की होगी तब आपको पता होगा कि इंटेंशनली आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन वो हो जाती है। और स्मार्ट इंसान वो है जो दूसरों की मिस्टेक से सीखता है। तो कोई अगर दूसरा करता है मिस्टेक कोई, तो उनसे आप अगर कुछ सीख लेते हो तो वो भी एक अच्छी बात है। और सेम मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड। कोई एक मिस्टेक करते हो आप, तो वही मिस्टेक रिपीटेडली नहीं होनी चाहिए, वरना वो मिस्टेक नहीं कहलाएगी, वो क्या है कि इंटेंशनली किया हुआ आपका काम कहलाएगा। तो ये नहीं करना है, एक मिस्टेक से हमें सीख लेनी है और सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात है, जो जिंदगी में नई मिस्टेक नहीं करता है ना, वो जिंदगी में नया कुछ नहीं करता है। तो अपनी खुद की हुई मिस्टेक से भी सीखना है और आगे बढ़ना है। और जब कभी भी कोई दूसरा मिस्टेक करता है तो उनको ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है वही करना है, क्योंकि जो रिलेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है, मिस्टेक इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो उसका सॉल्यूशन तो बाद में मिल ही जाएगा। समटाइम्स यू हैव टू से सॉरी, नॉट बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, बट यू हैव मोर वैल्यू ऑफ योर रिलेशन देन योर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स तो होती रहते, उसको इग्नोर मारो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दो। रिलेशन आपके लिए ज़रूरी है, किस इंसान ने की है और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो बिगड़ना नहीं चाहिए, ये एक बात ध्यान रखनी है। गुजराती में एक कहेवत है कि माणस मात्र भूलने पात्र। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप मनुष्य है तो आप क्या है मिस्टेक के रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप मिस्टेक्स करते ही नहीं हो तो मतलब कि आप भगवान हो। तो ये तो हम है नहीं, हम तो मनुष्य ही है, तो मिस्टेक तो होती रहेंगी, लेकिन उस मिस्टेक में भी आप कैसे स्टेबल रहते हो और दूसरे की मिस्टेक हो तो आप उनको कैसे क्या है कि भूल जाते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, तो वो उन पर आपका डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हमारा दिन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हाँ, वो मैंने बात की थी कि जो 5 लकी पर्सन हो गए, लकी तो नहीं, क्या है कि सबसे पहले कमेंट करेंगे तो उनका नाम घोषित करेंगे, तो जब तक मैं ये अपलोड करता हूँ तो उनके नाम इसमें इंक्लूड कर देते हूँ। उन दो में से तो अभी तो मेरे रिलेटिव ही है, तो उनको इंक्लूड करते हैं, देखते हैं अभी आगे आगे बढ़ते हैं और आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ। मम्मी सुन क्यों चाहती है श्री कृष्ण? हाँ मम्मी, हाँ बोलो ना, कहीं बोलू तो बोल ही दियो। दी हमारी चप्पल पहन के कहाँ जा रही हो? चल चल चल, स्कूल का टाइम हो रहा है, ट्यूशन का એવું થોડું ચાલે દીકુ, ટ્યુશન માં જવું નથી? હા જો અત્યારે એનો સ્કૂલ થઈ ગયો હોય, હાલ હાલ વેધું હમણાં જો નાઈન ફટાફટ વહી જાય, તો પછી જો હવે અમે પાછા જઈ ને ગમે ત્યારે ક્યાંક ત્યાં ક્યાંય લઈને જવાનું, કાલ તો રજા, હાલે તો વેધું ને મજા હાલ 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 ન્યા, હા કેતી આવજે, હા સપ્તાહ સપ્તાહમાં તું અહીંયા રાસ લઈ જાય હો,
तो जी सबसे पहले जो कमेंट किया है पहले वो ये है, मेरे मामा का लड़का जिसका नाम है अक्षय पटेल, और उसके बाद जिसने कमेंट किया है वो ये है मेरा साला जिसका नाम है अंकित। देखा तो बहुत लोगों ने है लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया है, तो सिर्फ दो ही लोगों ने कमेंट किया है तो उनका नाम इसमें डाल दिया है।